हाय, मैं हूँ विजय और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से एक इंडियन बास्केट बनाएंगे, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक इस तरह का बैम्बू का बना हुआ एक बास्केट, और उसमें मैं रखूँगा एक छोटी सी प्लास्टिक की कटोरी, और उसके लिए हमें चाहिए होगा प्री सोक्ड स्पंज। इसे हम फ्लोरल स्पंज कहते हैं। इसे हम इस तरीके से हम इसे इसमें अंदर घुसा देंगे, ओके, और जो साइड्स बची हैं उसे हम निकाल देंगे इस तरीके से। इसे हम साइड में रख देते हैं। फिर लेंगे हम बास्केट, यहाँ से हम इस तरीके से कुछ रखेंगे और इसे हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, और उसके लिए हम चिकन वायर यूज़ करेंगे ताकि ये जो इस तरीके से हम इसे रखेंगे और इसे हम चारों साइड से ये जो बाइंडिंग वायर है इसे हम बांध देंगे। दोस्तों, वायर बांधने के समय आप अपने हाथों का ख्याल रखें। दोस्तों, इसे बांधने का कारण ये है कि जो ये फोम है वो अपनी जगह से ना हिले, इसीलिए इसे हम इस तरीके से पूरी तरह से फिक्स कर देते हैं यहाँ पर। कुछ इस तरीके से। अब हम लेंगे कुछ फिश टेल पाम्स इस तरीके से। देखिए, ये फिश टेल पाम है। अब मैं इसे बताऊंगा कि किस तरह से काटना है। इसे हम फिश टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो पत्ते हैं ये बिल्कुल फिश की तरह है, इसलिए फिश टेल पाम है। इसे हम थोड़ी से काट लेते हैं। इस तरीके से हम इसे काटेंगे। कुछ इस तरीके से, और मैंने कुछ पहले से ही काट के रखे हुए हैं। अब हम फिश टेल से इसका बैकग्राउंड बनाएंगे। याद रखिए दोस्तों, अगर आप कटर यूज कर रहे हैं तो केयरफुल रहें।
कुछ इस तरीके से। अब हम इसे सीजर से शेप दे देंगे। कुछ इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि एक बेस तैयार हो चुका है, ट्रायंगल है यहाँ से। अब हम इसमें हमारे मेन जो फ्लावर्स हैं वो डालेंगे। और मैंने लिया है इसके लिए जर्बेरा, पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन है। इसे हम देखते हैं किस तरीके से हम लगाएंगे। अब हम इसके साथ साथ जो फिलर्स हैं, जो फिलर्स पत्ते हैं, आपके यहाँ जो भी पत्ते अवेलेबल हो आप वो भी लगा सकते हैं। तो हम इसे साथ साथ लगाएंगे। इस तरीके से हमारा ये रूप तैयार होता जा रहा है, आप देख रहे हैं। और साथ साथ में हम थोड़े थोड़े फिलर्स के पत्ते भी लगा देंगे। और फिलर्स के लिए हमने ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी रखे हुए हैं। जिस तरीके से बाकी की जगह हम वाइट फ्लावर से भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा कुछ बुके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें कुछ फिलर फ्लावर्स ऐड करेंगे।
ये जो हमारे फिलर फ्लावर्स हैं ये एक एक्सेंट के रूप में काम करेंगी। देखिए एक तरीके का फिलर फ्लावर्स हमने यहाँ लगाए, अब हम दूसरी तरह का फिलर फ्लावर्स हम इस साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बुके कंप्लीट हो चुका है। आप इसे अपने दोस्तों को दे सकते हैं बर्थडेज में या शादीज में या किसी भी ओकेजन में, ये आप गिफ्ट के रूप में आप इस तरीके से बुके बनाकर अपने ही घर में दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।